सो फाइनली एसएससी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुका है, जिसमें उन्होंने ये चीज़ पहले ही बता चुके थे कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपका 5 सितंबर को आउट किया जाएगा। फॉर्म की डेट जो है, अप्लाइंग डेट आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑनलाइन फॉर्म जो है आज आप आपसे स्टार्ट कर सकते हो, और आपके 14 अक्टूबर तक फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे। लास्ट डेट आप कह सकते हो कि 14 को इसकी लास्ट डेट है अक्टूबर के मंथ में। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कि टेंटेटिव शेड्यूल जो होगा आपका सीबीटी मोड का जो एग्ज़ाम होगा वो आपका जनवरी फरवरी 2025 में ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट किया जाएगा। ये एसएससी जीडी कांस्टेबल की वैकेंसीज है 2025 की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेंटर के बारे में बात करिए कि सेंटर इसके कहाँ कहाँ पे रह सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, और जो आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करी होगी उसके अकॉर्डिंग आपको एग्ज़ाम मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेल की पोस्टेज के बारे में देख सकते हो और फीमेल की पोस्टेज के बारे में देख सकते हो। ग्रांट जो टोटल की बात करें तो हम यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 39K+ वैकेंसीज यहाँ पे इस बार देखने को मिल रही है। पिछली बार से वैकेंसीज कम है, पिछली बार बहुत ज़्यादा वैकेंसीज थी, इस बार वैकेंसी जो है 39,000 हैं, तो यानी कि कंपटीशन भी ज़्यादा है और आपको तैयारी भी आज से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आप JKP कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तभी भी आपको ये फॉर्म ज़रूर अप्लाई करना है। बाकी इसके लिए डिटेल की अगर हम बात करते हैं, एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे इन्होंने रखी गई है। एक्चुअली जो एज यहाँ पे रखी जाती है वो 18-23 रखी जाती है नॉर्मल कैटेगरीज वालों के लिए, ओपन मेरिट वालों के। SC ST के लिए आप देख सकते हो 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं आगे, बाकी पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आप SSC की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। 39,000 वैकेंसीज अपने आप में बहुत बड़ी वैकेंसीज हैं। अगर आपके पास NCC C का सर्टिफिकेट है तो 5% आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे आपको एग्जामिनेशन के। NCC B है तो 3% मिलते हैं, NCC A सर्टिफिकेट है तो आपको 2% मार्क्स मिलेंगे एग्जामिनेशन में, एक्स्ट्रा मार्क्स जो होते हैं। और एक्स सर्विस मैन को कोई बेनिफिट नहीं है यहाँ पे रखा गया है। ये फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें, JKP कांस्टेबल की तैयारी करें। देखो JKP कांस्टेबल से पहले आपका ये एग्ज़ाम हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है कि फ़ीस जो है इसकी सिर्फ 100 रुपीज़ आपको पे करनी है, और कैटेगरी से वालों के लिए वीमेन के लिए कोई भी फ़ीस आपको नहीं देनी है। तो ये एग्ज़ाम जो है हर साल होता है, मैं आपको बता दूँ। अभी रिसेंटली आपने देखा कि जो एग्ज़ाम हुआ 2024 में, 2024 का ही था, बहुत सारे बच्चों ने क्वालिफाई भी किया, अभी तक उसका फिजिकल भी नहीं हुआ शायद। यहाँ पे देख सकते हो कि जो सिलेबस है इसका, जो जनरल सिलेबस रहता है इंटेलिजेंसी रीजनिंग आपकी, 20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के, कहने का मतलब एक क्वेश्चन जो होगा 2 नंबर का होगा। जनरल नॉलेज भी स्पेशल, जनरल अवेयरनेस की बात करें तो यहाँ पर करंट अफेयर के भी क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स का ये भी सेक्शन रहेगा। मैथ की बात करें तो 20 नंबर का मैथ है, 40 नंबर का 20 क्वेश्चन है, 40 नंबर का मैथ है। इंग्लिश और हिंदी दोनों रहती हैं, जो आपको हिंदी का अटेम्प्ट करना है हिंदी कर सकते हो, इंग्लिश करनी है इंग्लिश कर सकते हो। 20 क्वेश्चन 40 नंबर, ओवरऑल आप देख सकते हो 160 मार्क्स का ये रहता है। रिसेंटली हमने देखा कि नियर अबाउट 80+ का कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिला है ओपन कैटेगरी का, तो 0.25 मार्क्स की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है। तो इस फॉर्म को आप ज़रूर अप्लाई करें। देखो ये पूरा डिटेल सिलेबस है इसका, रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है, यही सिलेबस आपको JKP कांस्टेबल के लिए पढ़ना है। मैथ का सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हो सेक्शन में, रेशियो प्रोपोर्शन प्रॉफिट लॉस एवरेजेस मेंसुरेशन टाइम स्पीड डिस्टेंस, ये एक जनरल सिलेबस है मैथमेटिक्स का। सो बाकी इसमें आपको पहले रिटर्न होगा, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होता है, बाकी का प्रोसेस उसके बाद ही रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 5 किलोमीटर्स जो रनिंग है 24 मिनट में आपको कवर करनी है। फीमेल के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम है, 1.6 किलोमीटर 8/2 मिनट्स में कवर करनी है। सो लद्दाख के जो रीजन के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक्स्ट्रा शूट यहाँ पे रखी गई है, तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी इशू होगा आप ज़रूर बताइएगा। सो यहाँ पे देख सकते हो कि जो नॉर्मल मेल की हाइट है वो कितनी रखी जाती है, 170 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पे अगर हम बात करें अपने जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की, तो यहाँ पे 165 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है सो आप इसके लिए एलिजिबल हो, और फीमेल हो तो 155 भी चलेगी।
सो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को इसके रिगार्डिंग कुछ पूछना हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जेके पी कांस्टेबल का अगर आपने फॉर्म अप्लाई करा है तो इस फॉर्म को भी आप ज़रूर अप्लाई करें। इसके साथ साथ आप दोनों की तैयारी भी करते रहिएगा। कांस्टेबल से मुझे लगता है पहले आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। एडवर्टीज़ के साथ साथ उन्होंने आपको सिलेबस भी दे दिया है, तो एग्ज़ाम जो आपका है मे बी आपका एंडिंग जनवरी स्टार्टिंग फरवरी में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। सो बाय बाय, टेक केयर गाइस। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।